देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना। पूरा संदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का डैमेज कंट्रोल था। दो इस संदेश से दो बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी और जब राज्यों को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वैक्सीन की मांग की थी क्योंकि उस समय चुनाव का वक्त था, आप वैक्सीन देते तो राज्य वहां की सरकार को, राज्य सरकार को फायदा मिलता। उसी प्रकार से जब राज्यों ने 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाने की बात कही तो इसका फायदा राज्य सरकार को मिलता, राज्य सरकार वैक्सीन लगा रही थी, हम केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मांग रहे थे लेकिन केंद्र सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही थी। आप देश को किस स्थिति में रखना चाहते थे, देश को कैसा देखना चाहते थे? आप अपने संदेश में इस बात को आपने कबूल किया कि भयावह स्थिति थी, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, इन तमाम चीज़ों को सब पूरी देश के और दुनिया ने देखा है। और आप जब आपका संदेश, अब जब लोग वैक्सीन राज्य लगा चुके हैं, कई लोगों को वैक्सीन लग चुका है, तो अब उसका क्रेडिट लेने का काम आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उसके पूरे नेता लेना चाहते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी को लोग कोस रहे हैं, लोगों ने आपको वोट दिया था, आप पर विश्वास किया था, वो लोग अब आपके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए आपको ये राष्ट्र के नाम पर ये संदेश देना पड़ गया। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी, सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।